फोन की बैटरी और फोन की स्टोरेज दोनों को लेके ना हमेशा इश्यूज आते रहते हैं। बैटरी जो है वो बहुत जल्दी डाई आउट कर रही है और स्टोरेज जो है उसमें मतलब बेसिकली फोन में जगह ही नहीं बची कुछ और डालने के लिए। दोनों चीजों के लिए हम आपको एक एडवर्ट देने वाले हैं इस वीडियो में एंड इट हैव नथिंग टू डू विद द सेटिंग्स ऑफ द फोन। अच्छा, बहुत से फोन्स में क्या होता है जिनमें मान लो 16 GB या 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, उनमें फोन्स जो है बहुत जल्दी स्लो डाउन करना शुरू कर देते हैं। अब आप देख के बोलोगे कि भाई मेरे फोन में तो ज्यादा कोई फोटोग्राफ्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फोन स्लो डाउन क्यों कर रहा है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फोन में किसी वेब ब्राउजर के अंदर, जो भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उसकी सेटिंग्स में आपको जाके देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या चल रहा है। सो आई एम गोना टेक दिस एग्जांपल ऑफ क्रोम। गूगल क्रोम पे अगर, क्योंकि मोस्टली हर एंड्रॉइड फोन में आपको क्रोम मिल ही जाता है, यूजुअली दैट इज द ब्राउजर दैट वन यूजेस, उसमें जाके ना आप लॉन्ग प्रेस करो और ऐप इन्फो में जाओ। ऐप इन्फो में जाने के बाद स्टोरेज पे जाना। स्टोरेज पे जैसे ही आप जाओगे ना, वहां पे एक तो कैलकुलेटिंग भी हल्का सा आपको दिखेगा और स्टोरेज के नीचे आपको पता लग जाएगा कि कितनी स्टोरेज जो है वो क्रोम में ऑलरेडी। साथ साथ आप जब क्लियर ऑल डेटा का भी ऑप्शन आपको एक मिलेगा, उसको अगर आप क्लियर आउट करते हो तो बहुत सारा डेटा जो है वो क्रोम में सेव्ड होता है, जो आपके फोन की ही स्टोरेज को बेसिकली इट वेज ऑन योर स्टोरेज, जो आपकी स्टोरेज है उसको ही खाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोन की बैटरी के बारे में। बैटरी में क्या होता है कि देखो, फोन की बैटरी अगर आपको लगे कि पहले ज्यादा लंबी चलती थी और अब धीरे 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 करके डाई आउट कर रही है, इसके लिए भी आप एक काम करो, सबसे पहले क्रोम में जरूर जाके एक सेटिंग को चेंज कर दो। क्रोम में जब आप जाओगे ना, क्रोम को खोलोगे और ऊपर आपको एक URL डालना पड़ेगा, वहां पे आप लिखो क्रोम कोलन डालो /// chrome-urls/। इसको जब आप प्रेस करोगे, एंटर करोगे, वहां से आपको बहुत सारे एक लंबा सा मेन्यू मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन ऑप्शंस से आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है डिवाइस लॉग में। डिवाइस लॉग जो है इसमें जाके ना आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे जहां पे आपको टिक्स दिखेंगे, वहां पे पावर के ऑप्शन पे जाके आप उसको डीसेलेक्ट कर दो।